इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स का और उनकी सॉल्विंग देखेंगे, ईसीएस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे और कार्ड बेस्ड क्वेश्चंस भी उनके आधार पर सॉल्व करेंगे और प्लस साथ में ईएमएफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फोर मेटल्स हैं, मेटल एलिमेंट्स हैं और जो कि अनमोल है और इन्हें सिंबलाइज किया गया है ए बी सी और डी से। इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स मानक इलेक्ट्रोड भी हो क्रमशः माइनस का 8.2 वोल्ट, प्लस का 1.3 वोल्ट, माइनस का 0.42 वोल्ट और प्लस का 0.52 वोल्ट है। इनकी एक्टिविटी का, इनकी सक्रियता का बढ़ता क्रम फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ में आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा सक्रिय होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ईसीएस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर फोर एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर माइनस 0.82 वोल्ट, प्लस 1.32 वोल्ट, माइनस 0.42 वोल्ट एंड प्लस 0.52 वोल्ट्स गिवन। गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स। सो फर्स्ट वी मेक अ ईसीएस आफ्टर गिवन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर तीन आर्टिकल्स। जब इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो सबसे पहले इनकी ईसीएस जनरेट कर लें। एलिमेंट ए का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है माइनस का 0.82 वोल्ट, जबकि एलिमेंट बी का ई नॉट पोटेंशियल दिया है प्लस का 1.32 वोल्ट और एलिमेंट सी का ई नॉट पोटेंशियल है माइनस का 0.42 वोल्ट, जबकि लास्ट एलिमेंट डी है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है प्लस का 0.52 वोल्ट। ये तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इन ई नॉट पोटेंशियल्स के आधार पर, एलिमेंट्स के ई नॉट पोटेंशियल्स के आधार पर एक ईसीएस जनरेट करनी होगी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनानी होगी ताकि हम इनका राइट सीक्वेंस देख पाए। जब हम ईसीएस ड्रॉ करेंगे तो ईसीएस का मिड एलिमेंट हाइड्रोजन मानते हैं बिकॉज हाइड्रोजन का ई नॉट पोटेंशियल जीरो होता है और इसके साथ पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन के सापेक्ष अपवर्ड जाने पर एलिमेंट्स के ई नॉट पोटेंशियल नेगेटिव फाइंड आउट होते हैं, मींस माइनस के मिलते हैं और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे जाने पर इस केस में एलिमेंट के ई नॉट पोटेंशियल्स पॉजिटिव फाइंड आउट होते हैं और वे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलते हैं। तो आप इनको इसी ऑर्डर में व्यवस्थित करें कि कौन से माइनस पोटेंशियल्स हैं और कौन से प्लस पोटेंशियल्स हैं। तो हम देख पाते हैं कि माइनस के टू पोटेंशियल्स हैं 0.42 वोल्ट और माइनस का 0.82 वोल्ट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे इसे। सबसे पहले माइनस का 0.42 वोल्ट और ये एलिमेंट सी के लिए होगा और जबकि अगला जो एलिमेंट है वो है ए और इसका ई नॉट पोटेंशियल है माइनस का 0.82 वोल्ट, जबकि प्लस में वैल्यूएट करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, मीन्स पहले सबसे लोवेस्ट वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। जब हम इवैल्यूएट करेंगे इसे तो प्लस की वैल्यू है जीरो पॉइंट, प्लस का इवैल्यूएशन है 0.542 वोल्ट और ये वैल्यू है डी के लिए और इसके बाद लास्ट इवैल्यूएशन करेंगे बी के लिए और ये बी वैल्यू है प्लस का 1.32 वोल्ट, ये इवैल्यूएशन होगा एलिमेंट बी को। अब बच्चों ये ईसीएस हमने यहाँ जनरेट की है
अब इसके बाद जो पॉइंट है ये इनकी एक्टिविटी का फाइंड आउट करने का, वो आपको कंफर्म कराया था मैंने इशेस में कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं इशेस में विद्युत रासायनिक श्रेणी में डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाने पर, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तत्वों की सक्रियता का मान बढ़ता है, मीन्स एक्टिविटी इंक्रीज करती है, बिकॉज उनके जो इनर्ट पोटेंशियल्स है माइनस में वो डिक्रीज करते हैं। तो इस आधार पर अगर हम इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाएं, बिकॉज ऊपर जाने पर इनकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। तो बच्चों यहाँ से एक ऑर्डर आपको मिलेगा, सबसे पहला एलिमेंट होगा बी जो कि सबसे कम सक्रिय है, और फिर बी से ज़्यादा सक्रियता है एलिमेंट डी की, और फिर एलिमेंट डी से भी ज़्यादा सक्रियता है सी की, और सबसे ज़्यादा जो सक्रियता है यहाँ पर वो एलिमेंट ए की है। तो इस तरह से आपको ये एक सीरीज यहाँ से मिल जाएगी जो कि इनकी एक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इसको एलिमेंट्स की सक्रियता का बढ़ता क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। तो एक तो आंसर यहां से कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट देखने कह रहा था आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स। वी नो दैट द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल वैल्यूज एवरी विल फॉर एलिमेंट ए। सो हियर द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स इज नोन एज ए। वी नो दैट मोस्ट एक्टिव एलिमेंट इज ए। तो बच्चों यहां से भी टू आंसर्स कंप्लीट हुए आपके, एक तो उनकी सीरीज का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था, और दूसरा कह रहा था फाइंड द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट ऑफ गिवन सीरीज। तो यहां से ये आपका ए एलिमेंट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल Zn2+ वन मोलर सॉल्यूशन है एंड कोबाल्ट डबल प्लस टू कोबाल्ट सेल। फॉर दिस सेल ई नॉट फॉर Zn+ ऑफ Zn एंड Co++ ऑफ Co, वैल्यूज आर -0.76 वोल्ट एंड +0.28 वोल्ट रिस्पेक्टिवली एंड देयर कंसेंट्रेशंस आर वन मोलर। सेल की जो सांद्रताएं हैं बच्चों को वन मोलर है, और इन सेल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं वो आपके माइनस के 0.76 वोल्ट और प्लस के 0.28 वोल्ट। यहाँ ईएमएफ कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का फाइंड आउट करना है। कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में कि सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोड्स का इनर्ट पोटेंशियल का डिफरेंशियल है। तो अगर ई नॉट ऑफ कैथोड से ई नॉट ऑफ एनोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस कर दें तो हमें सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले फिगर लेते हैं और एक फिगर के माध्यम से इस सेल में होने वाले मैकेनिज्म को समझते हैं। सपोज दैट ये सेल है और इन सेल में इलेक्ट्रोड्स का यूज किया गया है। इस तरह से कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है यहाँ जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस से ये पोटेंशियल जनरेट होते हैं। और इस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं जिससे
सेल के पोटेंशियल जनरेट होते हैं जिन्हें कैथोड और एनोड पोटेंशियल्स के रूप में जाना जाता है। तो यहां ये इलेक्ट्रोड आपका Zn है, Zn इलेक्ट्रोड, और ये कोबाल्ट इलेक्ट्रोड है, CO इलेक्ट्रोड। Zn लाइक एज एनोड फंक्शन करता है, जबकि कोबाल्ट लाइक एज कैथोड फंक्शन करता है। तो अगर इनके पोटेंशियल के लिए जाए, डिनोट कर लिए जाए सेल्स के, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से कि सेल का EMF क्या होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट सेल के लिए Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn E नॉट पोटेंशियल ऑफ Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn इक्वल्स टू माइनस का 0.76 वोल्ट एंड E नॉट पोटेंशियल ऑफ CO प्लस प्लस कोबाल्ट प्लस प्लस ऑब्लिक CO इक्वल्स टू प्लस का 0.28 वोल्ट। बच्चों ये आपको रिस्पेक्टिवली इन आर पोटेंशियल्स यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। अब इससे फाइंड आउट करना है सेल का EMF, EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू हाउ मच, देन यू नो दैट द फार्मूला ऑफ E नॉट पोटेंशियल इज EMF ऑफ सेल इज EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। और EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चों ये जो CO प्लस से CO बन रहा है ये आपका यहाँ एज कैथोड फंक्शन करता है और ये आपकी एनोड प्लेट का फंक्शन है। तो इनके पोटेंशियल्स डिनोट करें तो लिख सकते हैं E नॉट ऑफ CO प्लस प्लस टू CO सेल माइनस E नॉट पोटेंशियल्स ऑफ Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn। अब इवेल्युएट करें, वैल्यू पुट अप कर लें यहां से, तो हम देख पाते हैं कि कैथोड का जो पोटेंशियल है वो है प्लस का 0.28 वोल्ट। माइनस करेंगे एनोड पोटेंशियल्स का माइनस 0.76 वोल्ट, और इस तरह से बच्चों ये पोटेंशियल मिलेगा आपको नियर अबाउट 1.04 वोल्ट। और ये फाइनली इस सेल के लिए ईएमएफ ऑफ सेल का इवैल्यूएशन होगा, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू 1.04 वोल्ट। सो इस तरह से बच्चों सेल के लिए हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल की कार्य क्षमता का पता लगा सकते हैं, उसकी पावर कैपेसिटी का पता कर सकते हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वह सेल की कार्य दक्षता का ज्ञान कराता है, उसकी इवेल्युएशन करता है। चलिए अगली तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन ईसीएस की मेकिंग पर बेस्ड है, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनके आधार पर ईसीएस जनरेट करनी है। क्वेश्चन से फाइंड द ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ गिवन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स दिए हैं इनका ईसीएस फाइंड आउट करना है, इनसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनानी है। बच्चों मैंने प्रीवियस में ही आपको जब डिस्कस किया था ईसीएस का, तो आपसे कहा था कि इनका जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो हमें बहुत अच्छे से तैयार रखना चाहिए, बिकॉज एलिमेंट्स को हम जिस ऑर्डर में पुट अप करेंगे उसी आधार पर ईसीएस को बनाना है। और ये जरूरी है कि इनका जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस में ही होना चाहिए, बिकॉज जो ईसीएस के एलिमेंट हैं वो उनके E नॉट पोटेंशियल के आधार पर बेस हैं, वो चाहे उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाते हों या उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाते हों। तो अगर हम यहाँ पुट अप करें एलिमेंट्स का सीरियल, देन स्टार्ट करते हैं लिथियम से।
लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, और तब आता है हाइड्रोजन। बिकॉज हाइड्रोजन को मैंने हाईलाइट किया था ईसीएस में मेन एलिमेंट्स के रूप में, और मैक्सिमम क्वेश्चन ईसीएस के हाइड्रोजन से कंपेरिजन करने पर ही साल हो गए हैं। बिकॉज ई नाइन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू जीरो। अब हाइड्रोजन के सापेक्ष लोवेस्ट एलिमेंट्स में कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, पीटी एंड एयू। बच्चों ये एलिमेंट्स आते हैं और ये ईसीएस के इस तरह से ऑर्डरिंग किए गए एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हमें ये सीक्वेंस कंप्लीट हो तो हम इस तरह के ईसीएस मेकिंग वाले क्वेश्चंस बहुत इजी वे पर सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस तरह से ऑर्डराइज होगा इस क्वेश्चन के लिए। गिवन एलिमेंट्स का ईसीएस जनरेट करें और हाइड्रोजन को मीट रख करके ही इनका हम फॉर्मेशन कर लें। सपोज हाइड्रोजन का प्लेस ये है ईसीएस में, बिकॉज देयर इन आर्ट पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो, देन सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट मिलेगा। तो लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम का फर्स्ट प्लेस होगा, देन लिथियम के बाद कैल्शियम। अगर अपवर्ड से चल के आए तो अगला एलिमेंट आपके लिए कैल्शियम मिलेगा, देन सीए को प्लेस करेंगे, और देन कैल्शियम के बाद जस्ट अगला एलिमेंट सोडियम होगा, एनए। देन सोडियम के बाद अगला एलिमेंट जाए तो जिंक मिलेगा, ZN। ZN को पुटअप करें और ZN के बाद कॉपर का प्लेस देख पाते हैं जो कि हाइड्रोजन से जस्ट नीचे होगा, Cu। देन प्लेटिनम और सिल्वर, तो पहले प्लेट करेंगे सिल्वर को, Ag को, और उससे नीचे स्टेबल है आपका प्लेटिनम स्पीड। और इसके बाद अपवर्ड सीरीज में लेड का प्लेस होगा हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर। सो पी काउंट कर लेते हैं, टोटल एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहां बनाए लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों ये सीरीज आपकी ही इन जो गिवन एलिमेंट्स थी उनके आधार पर स्मॉलेस्ट ईसीएस के रूप में चल रही है, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एन कार्ड बेस क्वेश्चन से टू यू। फ्रॉम सोडियम एंड कॉपर वन कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन एसिड्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों में से कौन है जो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। सोडियम और कॉपर ये दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों में से कौन एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको साल्व करके, और सपोज करते हैं कि जो सांद्रता सेल है उसमें से एक सेल में इलेक्ट्रोड रॉड है सोडियम का और दूसरे सेल में इलेक्ट्रोड यूज किया गया है कॉपर। सो वन सेल का इलेक्ट्रोड एज अ सोडियम
और सेकेंड सेल का इलेक्ट्रोड उसका बॉटम फेस। इसी तरह से नेक्स्ट सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड है और अदर इलेक्ट्रोड सेल का आउटर लेयर, और ये एनोड और कैथोड प्लेट्स की तरह फंक्शन करते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स रेजिस्टेंस के रूप में यहां एसिड लिया गया है, बिकॉज एसिड से रिएक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कौन सा मेटल ऐसा है जो एसिड से हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। बट जनरल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ के आए हैं ईसीएस में कि ये वे मेटल्स होते हैं जो एसिड रिएक्टेबल हैं और कोई भी मेटल एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ऐसा जनरल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। बट यहां जब ईसीएस ड्रॉ करेंगे एलिमेंट्स की, गिवन एलिमेंट्स की, सपोज करें कि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के रूप में HCl का यूज किया गया है, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पहले तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस देख लिया जाए किस तरह होगा। जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे HCl का ब्रेक करेगा H प्लस और Cl माइनस माइनस, अपोजिट इंटरेक्शन होंगे प्लेट्स पर, Cl माइनस कन्वर्ट करेगा Cl एटम में और Cl और Cl के एटम कंजुगेट होकर के इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज होगा, जबकि हाइड्रोजन H प्लस कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन एटम में और हाइड्रोजन एटम्स कंजुगेट होकर के इसको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज करेगा। तो ये तो जनरली होने वाले रिएक्शंस हैं जो एनोड और कैथोड्स पर प्लेटेड हैं। बट यहाँ क्वेश्चन कर रहा था कि इन दोनों में से कौन रिलीज नहीं करेगा, तो इसका आंसर हमें देना होगा ईसीएस पर बेस्ड। अगर हम इनकी ईसीएस जनरेट करें तो हाइड्रोजन यहाँ मेन एलिमेंट होगा, बिकॉज इसका ई नॉट पोटेंशियल जीरो होगा। अब जो यहाँ इलेक्ट्रोड प्लेस किया है ये सोडियम है और ये वाला इलेक्ट्रोड आपका कॉपर है, दो इलेक्ट्रोड है, तो सोडियम का स्थान ईसीएस में हाइड्रोजन से ऊपर मिलेगा, यहां मिलेगा, और जबकि कॉपर का प्लेस हाइड्रोजन से नीचे मिलेगा। अब यही दो इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ और हमें कंपेयर करना है एसिड के साथ, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस में दिखा दिया। तो जब हम एक्टिविटी चेक करते हैं तो पाते हैं वे मेटल्स जो ईसीएस में हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस करते हैं वे अपने से नीचे वाले साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्टेबल हैं। तो अगर हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल का कंपैरिजन करें यहाँ तक का जितने भी मेटल्स आए ईसीएस में अभी देखे हम लोगों ने, वो एसिड रिएक्टेबल हैं, एसिड रिएक्टेबल, अम्लों से क्रियाशील, अम्लों से क्रियाशील, यानी ईसीएस में हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करती हैं। बट अगर हम लोवेस्ट मेटल का ये कंपेयर करें सो नॉट रिएक्टेबल, नो रिएक्ट विथ एसिड। तो अब अगर हम यहां सेल के नेट रिएक्शंस फाइंड आउट करना देखें तो बता सकते हैं सोडियम का प्लेस ईसीएस में हाइड्रोजन से अपवर्ड है सो रिएक्टेबल है। फर्स्ट सेल का रिएक्शन दें आपको, यहाँ सोडियम रिएक्ट करेगा HCl से और बनाएगा साल्ट NaCl प्लस रिलीज करेगा हाइड्रोजन H2 और बैलेंस के लिए इसको 2 कर लेंगे, देन यहाँ भी 2 कर लेंगे और यहाँ भी 2 कर लेंगे। तो फर्स्ट सेल में रिएक्शन पॉसिबल है। बट जब हम ये एग्जांपल लेते हैं सेकेंड सेल के लिए तो Cu का प्लेस ईसीएस में हाइड्रोजन से नीचे और नीचे वाले जो मेटल्स हैं ये एसिड रिएक्टेबल नहीं है, तो बच्चों इस सेल में नो रिएक्शन, यानी सेकेंड सेल में कोई अभिक्रिया नहीं होगी और इसके कारण ये वाला सेल हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा है जो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा,
तो आपका आंसर होगा कि सेकेंड सेल कैन नॉट डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बिकॉज द प्लेस ऑफ कॉपर इज डाउनवर्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। तो इस तरह बच्चों ये आपका आंसर यहां से कंप्लीट होगा कि सेकेंड सेल हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3CWH इट इज डिनोटेड एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कैलकुलेटेड। अनंत तंता पर दुर्बल वैद्युत अभिन्न एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करें। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस कोलराउस के लॉ पर बेस्ड है और ये लॉ हम लोगों ने पढ़ा था जिसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज है कि अनंत तंता पर किसी दुर्बल वैद्युत अभिन्न की चालकताएं मोलर चालकताएं या तुल्यांक चालकताएं उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग होती है। तो उस स्टेटमेंट या लॉ के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसके लिए कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर एसिटिक एसिड। ऐसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए आप ये फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व किया जाए यानी इसकी कंडीशन दी जाए तो फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंफिनाइट डाइल्यूशन इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर नेगेटिव आयन। ये पढ़ा इसी पर बेस्ड इस एसिटिक एसिड के लिए मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे बच्चों इस एसिटिक एसिड की, देन CH3COOH आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट गिव्स आउट H+ एंड CH3COO- इट गिव्स आउट एसिटिक। पुट अप करें यहां पर मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड के लिए, देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO-। ये जो फार्मूला बच्चों यहां से मिलता है ये इसके लिए मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करने का कंडीशन होगा। तो इस तरह से एस्टिक अम्ल या किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।